एनी बहुत परेशान थी, शायद इसलिए वो पढ़ने भी नहीं गई। तो मैंने इसे बात करो, उसे समझाओ, मैं भी पाकर को समझाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ भाभी, आज हबीब ने पहली बार मुझसे प्यार से बात की, नरम लहजे में बात की, माफी मांगी। माफी मांगी हबीब ने और नरम लहजे में बात की? मुझे यकीन नहीं आ रहा, यह कैसे हो सकता है कि हबीब को अकल आ जाए? मैं भी यही समझी थी, लेकिन फिर माफी के साथ साथ उन्होंने जेवर भी मांग लिए मुझे। जेवर तो अल्लाह अल्लाह करके, तुम्हें अभी एक दिन हुआ है वापस उसको? हबीब को क्या जरूरत पड़ गई तुम्हारे जेवरात की? कह रहे थे कि रकम की जरूरत है बेचने। बेस खुद खर्च। माफी, प्यार से बात, कोई ना कोई खर्च होगी उसकी अपनी, जानती थी मैं। इसको कल नहीं आएगी, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। कोई जरूरत नहीं है उसको जेवर वापस करने की, समझे तुम? ये तुम्हारे हैं, कोई बेवकूफी मत करना। जानती हूं मैं तुम्हें आयशा, वो तुम्हारी मिनते करेगा तो उसका जेवर उसके हवाले कर दोगी, समझी तुम? नहीं देने। धमकी दी तो? धमकी क्या, हमेशा वही देगा। कि बात बोलूं? हाँ। जैसे अल्लाह ने मेरा मसला सुलझाया है ना, मैं देखना तुम्हारा भी मसला सुलझा देगा। आमना फखर की जिंदगी से चली जाएगी और ये बाहर जाने का ख्याल भी छोड़ दे। मुझे नहीं लगता अम्मा इतने बड़े मसले इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं उसी की बातें नहीं करती गुड़िया, मुझे लग रहा है कि आपका फोन बज रहा है, जाके देख ले मामा या नानी का नाम। हाँ मैं देखती हूँ, बस तुम परेशान हो। मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई अभी। क्यों, तो लॉटरी जीती है तुमने? मुझे मेल आ गई है, ऑफिस में जा तो देखा तो फौरन प्रिंट करवा के ले आया। वक्त था वक्त दिखा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? तुमने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी ना? सीख ये भी नहीं सुनी तुमने फाकर? किसी ने मेरी सुनी क्या कभी? हाँ मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, किसी ने पूछा कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है? बताओ मुझे आज तुम फाकर, बताओ मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। और ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में एजुकेशन की कमी है यार, क्योंकि तुम मेरी तरह यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो अपनी एजुकेशन पूरी। आज तो मैं बताता हूँ मेरी जिंदगी में कमी किस चीज की है। पता है क्या, मैं एक मिस्टर नोबडी बन के घूम रहा हूँ इस घर में, जिसको ये नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या है, कुछ इंजीनियर बनना है, क्या काबिल बनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पता नहीं, बस ये पता है कि ख्वाब जो है ना वो कहीं घूम रहे हैं। हाँ तो मेरे साथ भी यही हुआ है ना,
लेकिन आखिर तुम मुझे देखो, मैं अपनी जगह बैठे बैठे जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझे घर से अलाव है मैं उतना करती हूँ। तुम में और मुझ में ना इतना ही फर्क है कि बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ। जानता हूँ भाई मैं कि फेल हो गया मैं, एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बाप नहीं बन सका, एक अच्छा शौहर नहीं बन सका, मुझे इस चीज़ का इल्म है। और उसके साथ एक बात बताऊँ आपको, अगर ये जिम्मेदारी अगर मुझे सही वक्त पे दे दी जाती ना, मैं शायद हैंडल कर लेता हूँ। साथ भी यही हुआ फाफू, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि ठीक है आप इस इम्तिहान में पास हो गई, मैं फेल हो गया, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं ना एक लड़की हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस इम्तिहान में मेरा पास होना जरूरी था। मेरी पास हो गई है तो जो करना करो, मैं जा रहा हूँ लज फाइनल बस। हापी थोड़ा सा खा लें। हापी इसका फोन आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्पेक्टर साहब जी, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ, आप बताएं क्या काम है? ओ बीबी ज़्यादा ड्रामे नहीं, अच्छा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसे भी कोई लाखों का सोना किसी को वापस करता है क्या? देखो तुम्हारी बहन की तरफ वैसे भी मेरा बहुत हिसाब निकलता है, उसको बोलो खामोशी से मेरा हिस्सा मुझे दे दे, वरना मैं उसको आगे तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। किस जेवर की बात कर रहे हैं आप? वो जेवर तो मैंने आप ही से लेके वापस दे दिए उन लोगों को। वो जेवर तो मेरी सास नंद और उनकी बेटी का है। तो गुर्दे तो होंगे ना, उसको बोला गुर्दा भेज दे। एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ बस मैं। उसको बोला एक हफ्ते के अंदर मेरी रकम मुझे वापस कर दे, वरना मैं उसका आगे तक पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, बता देना तुम उसको। हापी ये क्या कर दिया आपने? कम से कम आप मुझे तो बता देती हापी। इतना खतरनाक इंसान है वो, कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों से तो ना दुश्मनी अच्छी होती है और ना दोस्ती। क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह जी, मैं और मेरी बेटी बहुत कमजोर बंदियां हैं, तेरी तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है हम। या अल्लाह हमें साबित कदम रखना मेरे मालिक। रिश्ते ने बाधा किसी मैदान जंग में उतरने से कम नहीं है मेरे अल्लाह। क्या वो गुड़िया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ अम्मा, आप बता। बता दे क्या बात है? कल तुम्हारे अब्बा आए थे, माफी मांग के गए। मैं समझी वो बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी गलत फहमी फौरन दूर की थी। मुझसे सेवन मांग कर तुम्हारी मामी जो लेकर आई थी कल, समझ नहीं आया। सही कहते हैं लोग, आदत बदल सकती है फितरत नहीं, वो भी कभी नहीं बदलेंगे। मैं ऐसे उदास होने में क्या फर्क? आप उन्हें अपने जीवन नहीं देंगे, वो आपकी सिक्योरिटी है, आपका
आपका एसेट है वो, देने तो पड़ेंगे यानी। मजबूरी है, तलाक दे देंगे घर। बस बहुत हो गया अम्मा, इस तलाक की धमकी से आप कब तक डरेंगी? हाँ नहीं देख सकती अम्मा आपको ऐसे, इस रिश्ते को अब तलाक की धमकी पर कितना खींचेंगी। मेरे और फायजा की वजह से अब क्यों सोच आपसे गुजरती है। अब की तलाक की बात आप करेंगे वो अब बस है। अरे आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? नाश्ता बना दूं? मैं मेरा एडमिशन हो गया है। कहाँ? यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है उसमें। हता था हूँ, किसी की नहीं मानोगे तुम, अपनी मनवा के छोड़ोगे, चाहे मैं कहूँ या नहीं कहे कोई भी। मैं अनाया को संभालने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, आप हैं, एनी है, चाची है, फुफू है, सब तो है। कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी कमी इनमें से कोई भी पूरी कर सकता है या हमारी कमी तुम्हारी जिंदगी में इनमें से कोई पूरी कर सकता है? अम्मा मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो कभी भी मेरे फ्यूचर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। हमारे खलूस और मोहब्बत पर सवाल उठा रहे हो? मोहब्बत पर सवाल वो उठा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि आप इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं उस पर क्वेश्चन थोड़ी उठा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें ख्वाब देखने से, फ्यूचर बनाने से, काम करने से, पढ़ने से कोई भी नहीं रोक। तुम यहाँ रहकर भी तो, हमारे पास रहकर भी तो ये सब कुछ कर सकते हो। एनी भी पढ़ रही है। एनी को मेरा सलाम है भाई, जिस तरह वो सब चीज़ें मैनेज कर रही है मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा टेंशन स्पैन उतना नहीं है। मतलब ये घरेलू मसले, सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, उनके बीच में मैं फोकस नहीं कर सकता अपने करियर पे, मुझे जाने थे प्लीज। बाहर बात सिर्फ मेरी होती ना तो तुम्हारी खातिर, तुम्हारी शौक की खातिर, तुम्हारी जिद की खातिर मैं दिल पे पत्थर रखकर मान जाती हूँ। एवी है, अनाया को जरूरत है तुम्हारी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुमने मुझे छोड़ दिया है, तो सब के बावजूद जो मैंने तुम्हारे लिए किया, हमारे लिए किया, मैं सदमे में थी, उसका फायदा उठा के मुझे छोड़ दिया। अगर मैं किसी को चैन से बैठ नहीं दूंगी, अगर मैं सुकून में नहीं हूं तो कोई भी सुकून में नहीं। और सबसे पहले तो बस एक्सपेक्टर का कुछ करना पड़ेगा, मुझे ब्लैकमेल करेगा, मुझसे पैसे लेगा, मुझे कमजोर समझ लिया है कैंडोवर। अगर मैं सदमे में थी तो सबको सदमे में पहुंचाऊंगी। कसम खाती हूं कि किसी को चैन से डिबेट नहीं दूंगी, नहीं बैठ। अरे आ गए आप? हाँ ब्लैक कॉल करनी है। बैठे 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 आए कोई वो जमशेद,
रुखसाना खाला से ना मैंने बात कर ली थी, तो वो आप ही को ना अपने पास रख लेंगे। ओ शुक्र, बहुत अच्छी बात हो गई है। पता है माँ की नाराज़गी जो है ना, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपा के आने से बहुत गुस्सा थी भाई। वो आपसे एक बात करनी थी। क्या? आपको तो पता ही है कि आप ही की अब माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगर रोज़मर्रा के खर्चे के लिए थोड़े पैसे मिल जाते तो। अच्छा ऐसा कर लेंगे ना, मैं कुछ रकम जो है वो हर महीने आपा को पहुंचा दूंगा, है ना जी? ये अच्छा रहेगा। वो एक और बात भी करनी थी आपसे। अब क्या था? वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं अकरम, उसका बार बार आप ही को फोन आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसों का मुतालबा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यार आलिया बुरा मत मानना, ये रायला आपा ने जिस तरह के खतरनाक लोगों से दोस्तियां गाड़ी हुई थी ना, और हर बुरे अच्छे काम के अंदर जो है उनकी पार्टनरशिप ली हुई थी, तो उसका नतीजा यही निकलना था। नहीं नहीं जमशेद, देखिए अब आपा का जो जहनी तवाज़ुन है ना वो भी ठीक हो गया है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि अब ना ही उनके पास पैसे हैं और ना ही कोई घर, कोई भारी चीज़ भी नहीं है जिसको हम चुका के ये पैसे अरेंज कर सके, इस वजह से मैं आपसे कह रही थी। यार ये मेरा मसला नहीं है आलिया, बहन की सौतन होने के बावजूद मैंने बहुत बड़ा दिल करके उनको यहाँ रखा हुआ है, अम्मा अलग नाराज़ चल रही हैं, ये तुम्हारी जो भी खाला उन्हें रख रही है ना यार, हर महीने खर्चे के कुछ पैसे उनके यहाँ भिजवा दूंगा, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना आप। और दूसरा उनका सामान बांधो, मैं छोड़ के आऊँ यार उन्हें। अच्छा आप हो गया मेरे लिए तो। जी वकील साहब। जी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो औरत हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो जब मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि मैं डाइवोर्स पेपर उन्हें भेज रहा हूँ, तो उन्होंने सीधे मुझसे बात नहीं की, बल्कि सीधे सीधे हक मेहर का मुतालबा कर दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। वो तो ज़हनी तौर पर अपसेट थी। ये भी मैं बता चुका हूँ, वो वक्ती तौर पर, वो औरत पागल नहीं हुई थी। आप फौरी तौर पर रकम का बंदोबस्त करें ताकि मैं उन्हें डाइवोर्स पेपर भेज सकूं। ठीक है मैं कुछ करता हूं। शुक्रिया। अम्मा टेप खुली नहीं रही, क्या करूं तुम्हारा, चढ़ा तो रही हूं, चढ़ा नहीं सकती थी अपनी कॉपी पे पेपर्स। अम्मा चश्मा टूट गया मेरा और आपने बनवाने भी नहीं दिया, कैसे करती, आधा दिख रहा है मुझे। चश्मे दीन कई की बेटी की कॉपी पर कवर चढ़ाने की फिक्र है तुम्हें, और शौहर की इज्जत का क्या, उसकी फिक्र नहीं है? चंद जेवर नहीं दे सकती थी तुम? हाँ जाके मोटर चला, पानी खत्म हो गई। शाबाश। किया था भाभी से और एनी से मशवरा, मना कर दिया उन्होंने आपको जेवर देने। भाभी से और एनी से? वो दोनों कौन होती हैं हमारे बीच में बोलने वाली? भाभी इस घर की बड़ी है और एनी बेटी है मेरी। हाँ बड़ी बेटी पहली होती है। और शोर शोर क्या होता है? मैं बताऊं शोर क्या होता है? शोर सर का ताज होता है, शोर मजाजी खुदा होता है।
मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे वो जेवर नहीं दिए तो आयशा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जानती हूं, बहुत बार सुन चुकी हूं। एक काम करें, दे दे तलाक अब, थक गई हूं मैं। मैंने कहा दीजिए तलाक, मांग रही हूं मैं, आज दे दीजिए। जानते ही हिम्मत कहां से आई, बेटी ने दी है मेरी, जी तलाक दीजिए। जाती हूं अपनी मां के घर, किस्सा खत दीजिए तलाक। चुकी थी मैं फैमिली, रोज 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 एक ही धमकी। आपने बिल्कुल ठीक किया भाभी, बस अब जो कहती है ना उस पे कायम रहे। कथा नहीं सही किया क्या गलत? सही किया आपने बिल्कुल। अब फिर हम सब भी हैं ना आपके साथ। एनी तो अपने घर की हो गई, फिक्र मुझे फायसा की कि मेरी वजह से कल को उसकी जिंदगी में कोई रुकावट ना। आप मत सोचिए ऐसा, फायसा के हक में जो बेहतर होगा वही होगा। बल्कि आप देखिएगा, फायसा के नसीब हमारी एनी से भी बहुत अच्छे हो गए। अच्छा सब ठीक करेगा अल्लाह, आप परेशान मत हो। समीना भाभी फराज साहब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, आज ही फ्लाइट है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कब है ज्वाइनिंग? कल सुबह ज्वाइनिंग है। अच्छा अच्छा, सभी बहुत मुबारक हो। बस एक महीने बाद हमें और बच्चों को भी बुला लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस भाभी वो एक बार और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। गलती का आप दिल से एहसास हो जाए ना तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, सब कुछ माफ हो जाता है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। चले निकलते हैं, खैरियत से जाओ। हाय एनी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, वो मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुम मुझे अपना यूनिफॉर्म ला दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। यूनिफॉर्म को छोड़ो, बहन हूँ तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है। क्यों रो रही हो बहनी? कुछ नहीं हुआ फैजल, तुम इन मामलात में नहीं पढ़ो। बहनी अगर तुम्हारा कोई मसला तो वो मेरा मसला भी है, आखिर से लड़ाई भी है। वो तो रोज ही होती है, उस पर क्या नहीं बात है, उस पर ज्यादा भी है। हर दोनों हमारी सुलह हो गए, दूसरे की सुनी हमने, ये तो खुशी की बात है ना। रो क्यों रही हो फिर रेडी? फैजल दीदी, तुम शुक्र करो कि तुमने पढ़ने की एज पर, तुम पढ़ रही हो। मैं नहीं बता सकती क्या हुआ, हम दोनों अलग अलग है क्या? मैं खुश हूँ कि मैं उस मुसीबत में नहीं। फैजा बस, बहनी मैं तुम्हें नहीं बता सकती फैजा, क्यों मत पूछना मुझसे।
अरे वाह आपी, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। बस वैसे ही थोड़ा बेहतर फील कर रही थी। तुम ये खाना क्यों रूम में ले आते हो? बाहर खा लूंगी तुम लोगों के साथ लाउंज में। आप ही हो, आपको तो पता है अम्मा। जाहिर है तुम्हारी सास अपनी बेटी की सौतरे को क्यों बर्दाश्त करेंगी डाइनिंग टेबल पे। अच्छा चले ना, मैंने काला से बात कर ली है, अब आप उनके घर जाके आराम से रह सकती हैं, उनकी भी तन्हाई दूर हो जाएगी और आपकी भी। नहीं आदिया, बहुत अच्छे से मोहल्ले में रहती हैं, मैं नहीं रह सकती वहाँ। अभी आपको तो पता है ना, आपके यहाँ रहने से अम्मा कितना नाराज़ हैं, उनका बीपी हाई रहता है। शमशेद भी मुझे रोज़ रोज़ कहते हैं, मैं कितना रोकूंगी उनको। पर बीपी इस इद्दत में कहाँ जाऊँगी आलिया, कहाँ मारे मारे के रूंगी। अभी जब तक इद्दत चल रही है तब तक के लिए बात कर लूँ, प्लीज़ बोल दो उनसे। वैसे आप ठीक कह रही हैं, आप ही इद्दत तक के लिए मैं बात कर सकती हूँ जमशेद से। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं कर लूँगी बात। खाना तो खाएं, मज़े का बनाया मैंने दाल। आज दोनों बहन इस बैठ के खाती हूँ। तुमने भी नहीं खाया? नहीं, मैं साथ खाई। खा बैठ। जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ बाप के बीच में आने की? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने अपनी माँ को तलाक लेने का मशवरा दिया है, आयशा ने बताया मुझे। मैंने ही बोला था उन्हें। अब से लेके बचपन तक अब्बा मैंने अम्मा को सिर्फ परेशानियों और तकलीफों में ही देखा। मुझे लगता है इस सूरत हाल से निकलना उनके लिए बेहतर है। बच्ची हो, अपनी हद में रहो समझी तुम। बच्ची नहीं हूँ अब्बा, आप लोगों के फैसलों ने ना बड़ा बना दिया मुझे। मैं खुद एक शादीशुदा औरत होते हुए मैं उनका दुख समझ तक हूँ। अब अगर तुमने ये हिम्मत की तो क्या मेरी अम्मा को तलाक दे देंगे? क्योंकि अब ये बात ना ही उनके लिए धमकी है और ना ही मेरे लिए, क्योंकि वो तो खुद यही कह रही हैं। ठीक है देख लूंगा मैं तुम सबको। फाखिर बेटा कहाँ से आ रहे हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? एनी इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चाची कुछ कागजात थे जो प्रिंट करवाने से सोचली गया था, थोड़ा सा रश था इसलिए लेट हो गया। फाखिर बाहर जाने की तैयारियों में लगे? मैं तो तुम्हें गोदों में खिलाया बच्ची, चाचे की बात भी नहीं मानोगे तो। इस पर तो जिद सवार हो गई है, किसी की नहीं सुन रहा। एनी भी तो यहीं पर पढ़ रही है। अम्मा अपनी मर्जी से पढ़ी है वो।
मैं भी अपनी मर्जी चाहता हूँ ना, मतलब आप लोग फिर वही चीजें कर रहे हैं बिना वजह की जबरदस्ती, ताकि हम उसी तरह पछताएं जिस तरह पहले पछताते आए। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरे करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए मुझे निकलना है। मैं किस तरह घुट घुट के मैं इस रिश्ते में जीऊँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो दोबारा मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ जहाँ पे रुकी थी। परमान, पढ़ने जा रहा हूँ, जॉब करूँगा, करियर बनाऊँगा, प्लीज। भाभी, क्या क्या कह रही है? इसको तो पहले पढ़ने जाना बस, ये वापस नहीं आएगा। एनी का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? आखिर रो क्यों रही हैं आप? मैं अनाया से उसका अब्बा नहीं छीन रहा हूँ, मैं एनी से उसका नाम नहीं छीन रहा हूँ, ना उसका शौहर छीन रहा हूँ। जॉब करूंगा, अखराजात उठा लूंगा इन लोगों के, और हो सका तो शायद बुला भी लूँ उन लोगों को। वहाँ तीरों से मैं वीडियो कॉल भी कर लिया करूँगा रोज, कोई इतना प्लीज उस पर जबरदस्ती दोबारा नहीं करें। जाने दें मुझे बाहर, अम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। जी इंस्पेक्टर साहब, रायला कुछ दिन के लिए शॉक में क्या गई? सबने उसे शॉक देने की ठान, पहले हबीब ने तलाक दे दी और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग। अरे रायला बीबी, तौबा तौबा, अकरम पुलिस वाला और ब्लैकमेलिंग। देखो भाई, इंसान को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है। हाँ, वो हबीब को सारा कच्चा चिट्ठा मैंने ही भेजा था। तो ले तो लिया ना अपना बदला, और क्या चाहते हो अब? नहीं हुई तुम्हारे भांजे की हेमंत से शादी, तो कर तो ली तुमने अपनी सारी मनमानी, अब क्यों पैसे मांग रहे हो, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, अरे अभी खाता कहाँ साफ हुआ है? वो जो जेवर है उसमें मेरा एक कट और बनता है। हाँ, वो तुमने उस दिन हकमैर का जिक्र किया था ना, वो जो तलाक के बाद मिलने वाला है उसमें एक और हिस्सा बनता है मेरा। अब राहिला होश में आ गई है और अपने तमाम दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। जी जाहिर है, अब आपके दुश्मनों में तो ये बंदा शामिल है नहीं, बल्कि आपके दोस्तों में शामिल है। बल्कि यूं कहिए कि दुश्मनों को ठिकाना लगाने में भी अगर आपको कोई मदद चाहिए तो ये बंदा हाजिर है। हाँ, एक आसानी हो सकती है कि अगर पूरी रकम नहीं दे सकती तो किस्तों में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका तो सारा हिसाब मैं एक बार में ही साफ करूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एनी, क्या कर रही हो गुड़िया? मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मा, आप तो किचन से बाहर चली जाए, मैं हूँ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। थोड़ी देर में शादाबाजी भी आती होंगी, वो मेरी मदद करवा देंगी। मेरा दिल लगता है काम के अलावा है। फिर आप एक काम मेरा करें, अपने फारिग वक्त में ना अपना सामान बांधें। अब्बा का तो पता नहीं है कब हमें निकाल दे, और अब तो फाखिर भी जा रहे हो, जब तक वो वापस नहीं आता पता नहीं क्या हो। तुम्हें बताया फाखिर ने कि वो बाहर पढ़ने नहीं बल्कि मुस्तकिल रहने जा रहा है? क्या
क्या कह रहे हैं आप अम्मा? वो नहीं, उसने नहीं नहीं वो उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ पढ़ने जा रहा है। वो मुझे मुझे पता नहीं था कि उसका वापस आने का इरादा नहीं। उसने ये आपसे कहा था? बता देगा जब वक्त मिलेगा उसे। लेकिन तुम परेशान मत हो एनी, उसने कहा मुझसे कि मैं एनी के नाम के साथ ना अपना नाम। अम्मा प्लीज, अम्मा मन नहीं समझा है ना बच्चे। क्या हाल है? कुछ कुछ बना? अच्छा मतलब कितना कितने दे सकते हो मुझे? नहीं इतने तो चलो चलो ठीक है रियाज, शुक्रिया, मैं देखता हूँ। चोरी नहीं किया है, हक है मेरा। वो जेवर जो है वो बुरे वक्त में बेचने के लिए होता है, समझी? जाके बता दो अपनी माँ को। हटो हटो सामने से, हटो हटो सामने से। अम्मा, अब्बा, 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 अ